नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। मेरे चैनल वायरल इन्वायर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इनकम टैक्स विभाग ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार के आदेश के अनुसार 11,44,000 पैन कार्ड को निरस्त या अमान्य घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने पैन कार्ड की डिटेल्स और दोस्तों कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा पैन कार्ड निरस्त हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो पूरी देखते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना पैन कार्ड को चेक कर सकते हैं कि वह एक्टिव है या नहीं है। दोस्तों, आप इस वेबसाइट को अपने पीसी या कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास पीसी नहीं है, तो मैं इसको मोबाइल में करके बता देता हूँ। तो मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों, मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट खोली हुई है, आप वहाँ से खोल सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसको। फिर दोस्तों, आप इसमें यहाँ पर एक कोने में एक ऑप्शन देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है नाउ योर पैन। दोस्तों, आप मैं जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख लेंगे दोस्तों। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ पर्सनल डिटेल्स मांगेगा आपसे। यहाँ पर आपको ये डिटेल फिल्स कर देनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें दोस्तों सरनेम के लिए कह रहा है, तो मैं अपना सरनेम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद दोस्तों, मिडिल नेम कह रहा है, मिडिल नेम मेरा कोई है नहीं। फिर लास्ट फर्स्ट नेम कह रहा है, तो मैं अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद दोस्तों, अगला ऑप्शन देखते हैं स्टेटस का। तो स्टेटस में जाकर अपना सेलेक्ट कर लेना है, इंडिविजुअल हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, जेंडर पूछेगा, तो हमें यहाँ अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ 1994 है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसके बाद दोस्तों, जून है, मैं जून सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 30 तारीख दोस्तों मेरी 30 जून है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। उसके बाद दोस्तों, आप देखें मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हैं, जो आपके स्मार्टफोन या अपने कोई भी मोबाइल फ़ोन में आपने डाला हुआ है। तो यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद दोस्तों, आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, कुछ समय लगेगा, लोडिंग होगा। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप आएगा, जिसे हम फिल करेंगे, उसके बाद हमारे चेक कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम में दोस्तों, हमें एक OTP आएगा हमारे नंबर पर, जिसे हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा OTP आ गया है, मैं इसको यहाँ कॉलम में फिल कर लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ मेरा क्या OTP आया है दोस्तों, मैं यहाँ पर इसे फिल कर लेता हूँ। तो इसके बाद हमें वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, हमारी यहाँ पर जितनी भी पर्सनल डिटेल्स थी पैन कार्ड की, वो यहाँ पर आ गई है। मेरा पैन कार्ड नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम तो है ही नहीं, सर नेम आ गया। दोस्तों, रिमार्क का ऑप्शन जो मेन है, वहाँ देख सकते हैं मेरा दोस्तों एक्टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा पैन कार्ड अभी चालू है दोस्तों। तो आप यहाँ जाकर वेबसाइट पर जाकर अपना पैन कार्ड चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे वीडियो में चलते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन या सुझाव हो तो मुझे कमेंट कर दें। इससे पहले दोस्तों, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।